योगी हमारे साथ बनी हुई हैं ब्रेकिंग सेंटर से। ब्रेकिंग सेंटर में वर्षा आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा इस वक्त की क्या बड़ी खबर है। जी अगर मैं आपको बता दूं कि बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन खराब होने का पहला मामला सामने आ चुका है। आपको बता दें कि बलिया के सिकंदरपुर के गोसाईपुर में ईवीएम मशीन खराब हो गई है। बूथ संख्या 121 पर ईवीएम मशीन खराब है। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हैदर हम देख रहे हैं कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें चरण में भी ऐसा हो चुका है कि मतदान प्रक्रिया 7 बजे से तो शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को कतारों में खड़ा होना पड़ता है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से, सिकंदरपुर के गोसाईपुर में ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। बूथ संख्या 121 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है, यानी कि 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, 6:30 बजे लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच जाते हैं कि आज वो वोटिंग करेंगे, लेकिन फिर भी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन या कहें कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से देरी हो जाती है वोटिंग में। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी जी, तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, और जिस तरह से बूथ संख्या 121 पर ईवीएम खराब हुई है, उसको लेकर अमित कुमार हमारे संवाददाता बलिया से सीधे हमारे साथ जुड़ गए। क्या खबर अमित कुमार, जिस तरीके से लगातार ईवीएम खराब होने की खबर लगातार आ रही है? जी ये बता दें कि ये गोसाईपुर सिकंदरपुर विधानसभा में पड़ता है, ये यहाँ से रामगुरु चौधरी का गाँव बोला जाता है, ये यहीं पे 121 नंबर के बूथ है जो खराब हुआ है, जिसको प्रशासन उसको ठीक करने में लगा हुआ है, उसको जल्दी से उसको बदलकर दूसरा या उसको ठीक करके। लेकिन अमित, क्या वजह इस तरह की ईवीएम खराब होने की, मशीनें खराब होने की लगातार खबरें आ रही हैं, ऐसे क्या वजह है जो ईवीएम खराब हो जाती है? क्या इनको पहले चेक नहीं किया जाता या एंड टाइम पर ये धोखा दे जाते हैं? कहीं ना कहीं टेक्निकल पार्ट है, उसके वजह से वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से प्रशासन कर रही है कि उसको हम तुरंत ठीक कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लगातार प्रतीक्षा में मतदाता कर रहे होंगे, क्योंकि मतदान केंद्रों पर जब ईवीएम खराब हो जाती है तो मतदाताओं में काफी आक्रोश होता है, और क्योंकि वो कतारों में खड़े होते हैं, अपना समय वो कई चीजों को छोड़कर वो मतदान करने पहुंचते हैं, ऐसे में जब उन्हें ईवीएम मशीन खराब मिलती है तो नाराजगी जरूर कहीं ना कहीं उनके मन में रहती होगी। जी मतदाताओं में उत्साह कम हो जाता है, जिसकी वजह से जब वोट देने जाते हैं वहाँ पर मशीन अगर खराब हो जाती है तो उनको काफी निराशा देखना झेलना पड़ता है, और इसलिए वो चाहते हैं कि तत्काल जो भी मशीन हो वो सही हो, जो वहाँ पे वोट देने की व्यवस्था हो सही हो। तो बिल्कुल, वोट देने की जो व्यवस्था हो उसका सही का इंतजार वो लगातार करते हैं और कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया।